फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुहादे की खिलाफ वर्जी। चिलीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर आर्टिलरी और मार्टर गोले दागे। फायरिंग से शहरी मीर मोहम्मद शहीद, खातून जख्मी। गरीब की बेहतरी के लिए ही हुकूमत में आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अगर गरीब का एहसास नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। अहम बैठक में आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें कम करने का फैसला। मुशीर खजाना हफीज शेख को हर सूरत रिलीफ फराहमी की हिदायत। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की आटा और चीनी की मिलों की तलाशी का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम पर आटा चीनी चोर और महंगाई माफिया की सरबराही का भी इल्जाम। लाहौर गुलबर्ग में वाक़े इसहाक़ डार के शाही महल को शाही पनागाह में तब्दील कर दिया गया। 13 से ज़ायद मुसाफिर शाही ख़ानदान की रहायशगाह में रात गुजारेंगे। बेघर अफराद का मुस्तकिल तौर पर रहने की इजाज़त देने का मुतालबा। ये नया पाकिस्तान है ना, तो यहाँ फ्रॉड कर सकता है ना, कौम की जेब पे डाका डाल के दिल फ्रेब सुहाने ख्वाब दिखा के उनके सरमाए को ले के भाग सकता है। नए पाकिस्तान में कोई किसी की जेब पर डाका नहीं डाल सकता। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकमान कहती हैं, आवाम के लूटे गए पैसों से बना एक मफरूर शख्स का घर मुस्तहक लोगों के लिए खोल दिया गया। सियालकोट अस्पताल में जेरे तरबियत नर्स की पुरअसरार मौत। अस्मा कत्ल की गई, खुदकुशी की या फिर हादसाती तौर पर गिरी। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद ताहाल सुराग न लगा सकी। अस्पताल इंतजामिया भी वाकई से लाइल्म, लवाहिकीन का एहतजाज। लाहौर में यतीम और बेसहारा बच्चियों के मरकज काशाना के मुबैना तौर पर अहम राज जानने वाली खातून साबिका रिहायशी इकरा कायनात पर पुरसरार तौर पर हलाकत की तहकीकात जारी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। CCTV कैमरों की मदद से तहकीकात भी जारी। And rapists should not only be given death penalty but hanging by hanging, but they should be hanged publicly. बच्चों से ज्यादती और कत्ल के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की करारदाद की मुखालिफत फवाद चौधरी को भारी पड़ गई। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और आमिर लियाकत हुसैन का शदीद बरहमी का इजहार। कहा, जिसकी जैनब शहीद होती है उसी को इस दर्द का इल्म होता है। पब्लिक सेफ्टी कमीशन के इजलास में वजीर आला सिंध और IG कलीम इमाम आमने सामने। 23 साल पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, कराची 2013 में क्राइम इंडेक्स में 6ठे और 7वें नंबर पर था और अब 93वें नंबर पर आ गया।
सिंध पुलिस के इंतजामी उमूर में मुदाखलत, सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन के दायरा कार पर भी एतराज़ात उठने लगे। रुकन सिंध असम्बली और मेंबर पब्लिक सेफ्टी कमीशन मोहम्मद अली अजीज ने खत लिख दिया, आज़ाद खुद मुख्तार सियासी मुदाखलत से पाक पुलिसिंग में असल हदफ होना चाहिए। खत का मतलब आई जी साहब सीनियर अफसर हैं, उन्हें चाहिए था और अब भी चाहिए कि वो फौरी छुट्टी ले लें, लीव पे चले जाएं ताकि ये मसला जो है हल हो। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने वफाक पर सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं आईजी को फौरी तौर पर छुट्टी पर चले जाना चाहिए, सिंध के सिवा हर सूबे में आसानी से पुलिस सरबरा बदल जाता है। लाहौर में कबड्डी के आर्मी मुकाबलों का दंगल कल से सजेगा। रिवायती हरी भारत की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई, शानदार इस्तकबाल। सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी कहते हैं इवेंट को कामयाब बनाकर दुनिया भर को अपनी मनपसंदी का सबूत देंगे। भारतीय कप्तान गुरलाल सिंह पाकिस्तान आकर खुश, बोले हमारी सकाफत और जबान एक है, पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिलती है। कप्तान पाकिस्तान टीम इरफान माना इस साल फाइनल में शिकस्त का तसलसल तोड़ने के लिए पुराज। सऊदी अरब के वजीर खारजा का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से एक बार फिर टेलीफोनिक रबता, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौकफ की भरपूर हिमायत पर सऊदी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का लॉकडाउन बरकरार, मजलूम कश्मीरी घरों में महसूर, इंटरनेट सर्विस भी ताहाल बहाल न हो सकी, आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरान जमात दिल्ली के इंतखाबात में शदीद मुश्किलात का शिकार, इंतखाबी मार्के पर पूरे भारत समेत दिल्ली में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज वाज़े तौर पर महसूस किया जाने लगा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्लानिंग कमीशन को नए अहदाफ दे दिए, कमीशन ने 3 साल इक्तसादी तरक्की हिकमत अमली 2020 से 2023 पर काम शुरू कर दिया, इक्तसादी तरक्की हिकमत अमली जून में तैयार कर ली जाएगी। मरियम नवाज के बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर समाअत करने वाला लाहौर हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच तहलील कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में नया बेंच तश्कील दे दिया, जस्टिस तारिक सलीम शेख रुकन होंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तिहारी कराने का फैसला कर लिया, एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। लाहौर की इंसदाद मुनशियात अदालत ने गाड़ी से हेरोइन बरामदगी केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए राणा सनाउल्लाह को 7 मार्च को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा ने हुकूमती इत्तेहादियों को पीटीआई की कश्ती से जल्द छलांग लगाने का मशवरा दिया, शहबाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का भी दावा। पीएनपी मेंगल और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार, सरदार अख्तर मेंगल अगले हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचेंगे, परवेज खटक जहांगीर तरीन और अरबाब शहजाद से अहम मुलाकातें मुतवक्का।
وفاقی وزیر شفقت محمود نے حکومت کو درپیش خطرات سے متعلق ٹیمہ گوئیاں مسترد کر دیں۔ بولے حکومت اور اتحادیوں کی سوچ ایک جیسی ہے، معاملات کچھ سسلوبی سے طے پا جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے ٹیکے کے بغیر حورے ملنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بولے اچھے کام کرنے پر بغیر ٹیکے کے بھی حورے ملیں گی۔ وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کا کہنا ہے، عدالت نے عزیر بلوچ، نثار مرائی، سانحہ بلدیہ رپورٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف سیکرٹری سندھ سے سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جی آئی ٹی کی کاپیاں فراہم کرنے کی درخواست۔ سندھ حکومت عمل نہیں کرتی تو توہین عدالت کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ایف آئی اے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سرکاری افسران کو نوازے جانے کے حوالے سے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی طور پر 17 سے 20 گریڈ کے افسران کی انکوائری ہوگی۔ سپریم کورٹ نے انٹرنیٹ کمپنی سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وصول کرنے سے روک دیا۔ انٹرنیٹ سروسز ایف ای ڈی سے مستثنی ہے عدالت عظمیٰ کا بڑا حکم۔ پرائیویٹ کمپنی سے ٹیکس وصولی کے لیے دائر ایف بی آر کی اپیل خارج کر دی گئی۔ نیب نے پنجاب کی 71 کمپنیاں کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ پنجاب فائنانس ڈویژن نے 53 کمپنیوں کو 193 ارب روپے دیے۔ 18 کمپنیوں کو پنجاب فائنانس ڈویژن نے کوئی رقم نہیں دی۔ بتاؤ کیا نام ہے؟ زاہد۔ کہاں رہتے ہو؟ اور پڑھتے بھی ہو اور سموسے بھی بیچتے ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ چھوٹا سا میں بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ چوتھی جماعت میں پڑھنے والے کراچی کے زاہد میاں نے نئی مثال قائم کر دی۔ صبح اسکول جاتے ہیں، شام کو چہرے پر مسکراہٹ سجائے والدہ کے ہاتھ سے بنے سموسے بیچ کر حلال رزق کماتے ہیں۔ تاہیوال کے بعد ٹڈی دل کا جھنڈ اوکاڑا پہنچ گیا۔ بڑے پیمانے پر گندم اور سبزیوں کی فصلوں کو چاٹ گیا۔ ضلع انتظامیہ خاموش، متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت فصلیں بچانے میں مصروف۔ پنجاب کے کسانوں نے ٹڈی دل بھگانے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ سولر سسٹم سے چلنے والی مشین کے ساتھ تھال لگا کر آواز سے ٹڈی دل کو بھگایا جانے لگا۔ کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج برقرار۔ اورنگی علی گڑھ بازار میں مسلح ڈاکو کاؤنٹر پہ بیٹھے تاجر کو لوٹ کر فرار۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، گیس میٹرز پر تالے لگا کر ہزاروں روپے لینے والے گروپ متحرک ہو گئے۔ گروپ میٹر پر تالے لگا کر اپنا فون نمبر پھینک کر جاتا ہے، رابطہ کرنے پر ایزی پیسہ کے ذریعے رقم ادا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کرونا وائرس نے چین سمیت متعدد ممالک میں تباہی مچا دی۔ اموات 722 ہو گئیں۔ چین میں 34,546 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ تھائیلینڈ میں ایک اہلکار نے فوجی اڈے میں سرکاری رائفل سے اپنے کمانڈر سمیت 3 اہلکاروں کو قتل کیا، پھر فوجی گاڑی چھین کر شاپنگ مال پہنچا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ بدھ مت کی عبادت گاہ کو بھی نشانہ بنایا۔ 12 افراد ہلاک۔ ساری کاروائی کو براہ راست فیس بک پر نشر بھی کیا۔ امریکی عوامی نمائندوں نے بھی صدر ٹرمپ کا صدی معاہدہ مسترد کر دیا۔ 100 سے زائد ڈیموکریٹ ارکان نے ڈیل آف سینچری کی شدید مذمت کر دی۔
कुवैती पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका के सदी मुहादे को कचरा करार दे दिया। अपने खिताब के दौरान मुहादे की कॉपी को कूड़ेदान में भी फेंक दिया। ईरान ने अपने मनज़म दिफाई तरीके से जारहियत करने वाले दुश्मनों को मफलूज कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का फौजी क़यादत से खिताब। सिंध भर में गैस सार्फीन का इंतजार और तवील हो गया। सूबे भर से सीएनजी स्टेशंस एक हफ्ते बाद कल सुबह खुलेंगे। सुबह 7 से शाम 7 तक गैस फराहमी जारी रहेगी। नासिर जमशेद की परेशानियों में मजीद इजाफा। बरतानवी वीजा खत्म, सजा के बाद डीपोर्ट किया जाएगा। नासिर जमशेद की जानिब से वीजे की तजदीद नहीं कराई गई। अहलिया का जल्द महकमा दाखिला से रिजू करने का फैसला। बहुत खूबसूरत है और मैं स्कीइंग कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। खुदा हाफिज। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर पाकिस्तान की खूबसूरती के दीवाने हो गए। सवात वैली में मालम जब्बा बैनुल अक्वामी की चैंपियनशिप के मौके पर पैगाम जारी कर दिया। कहा स्कैन कर रहा हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छा है।